हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं पॉलिटी की। अभी तक हमने पार्ट वन देख लिया है बेसिक और बहुत सारी चीजें देख ली हैं। आज हम एक और बेसिक क्लास समझेंगे, उसके बाद पार्ट टू पे जाएंगे। आपको एक चीज हमेशा पता है, मेरे पास क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल, और मैं पॉलिटी के साथ एक और सब्जेक्ट चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के हिसाब से मैं वो चीज करूँ, तो मैं क्या करूंगा, वोटिंग करवाऊंगा। और अगर वो वोटिंग में 10 लोग हैं, अगर मेरे को वोट 6 मिल जाते हैं तो मैं वो चीज कर दूंगा जो वो बच्चे बोल रहे हैं। मतलब मेजोरिटी का मतलब होता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुमत, किस चीज को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग उस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो मेजोरिटी में बोला जाता है, वो चीज मेजोरिटी में है, बहुमत है उसका, जीत गई है वो चीज, ज्यादा में आ रही है। इसका मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा अगर हम बात करेंगे, 10 लोग हैं तो 5+1 ज्यादा अगर आ रहा है तो उस चीज को मेजोरिटी मान लिया जाएगा और वो चीज कर दी जाएगी। ऐसी तो होती है वोटिंग की, भाई 6 लोग अगर हाथ उठा देंगे एक चीज के लिए तो वो जीते, वो मान ले जाएंगे, है ना। ठीक है सर, आज हम वही चीज पढ़ने वाले हैं। अगर पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना होता है, कोई एक्ट बनाना होता है, कोई नई पॉलिसी बनानी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने होते हैं, तो वो वोटिंग कराता है। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वहां पे, उनको वोटिंग कराता है। और वोटिंग के हिसाब से अगर मेजोरिटी मिलती है जो चेंज वो लाना चाहते हैं उस चेंज को, तो वो चेंज आ जाता है। और अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो चेंज नहीं आ पाता, बहुमत हासिल नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के अंदर अगर हम मेजोरिटी की बात करेंगे या बहुमत की बात करेंगे तो वो अलग तरीके की होती है। जैसे स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, चार तरीके की बहुमत, चार तरीके की मेजोरिटीज देखी जाती है जिनपे कंसीडर किया जाता है किसी भी चीज को। कोई भी चीज अगर मात बनवानी है तो लोगों से वोटिंग करा लो, और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप की मेजोरिटी के हिसाब से अगर लोग ज्यादा उस चीज को फेवर करते हैं तो वो चीज पास हो जाएगी। तो अब हम मेजोरिटीज को अंदर घुस के समझते हैं। छोटा लेक्चर है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आगे जो लेक्चर्स आएंगे फिर मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का डेफिनेशन क्या लिखा है, इफ मोर देन 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जो लोग प्रेजेंट है उस टाइम पे और वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट भी कर रहे हैं, वोट प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, उनके 50% से थोड़ा से ज्यादा वोट अगर एक चीज को मिल गए तो उसको पास मान लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टोटल 545 मेंबर्स हैं। मान लो मेरे पास 545 मेंबर है जिनमें मुझे वोटिंग करानी है। ठीक है सर, इन 545 में से 5 जो है वो सीट्स जो है वो वैकेंट्स है, खाली है, मतलब उस पर कोई मेंबर आया ही नहीं है। टोटल 545 सीट्स है जो मेरा हाउस है, उस हाउस में टोटल 545 सीट है और उनमें से 5 सीट वैकेंट है, उसमें लोग इलेक्ट होके आए नहीं है अभी। ठीक है, अभी मेरे पास 5 सीट हटाने के बाद कितना बचता है, 540 बचता है। ठीक है, ये 540 जो लोग हैं ये लोग इलेक्ट होके आ चुके हैं। इस 540 में से 20 लोग जो है ये वोटिंग करने ही नहीं आए, या उस दिन आए ही नहीं जिस दिन वोटिंग होने वाली थी, जिस दिन हम किसी चीज पर डिस्कशन करने वाले थे, कोई लॉ बनाने वाले थे वोटिंग करके, तो वो लोग आए नहीं। मतलब अभी जो हाउस के अंदर मेंबर प्रेजेंट है वो 520 मेंबर प्रेजेंट है। ठीक है, 5 वैकेंट थे, 20 आए ही नहीं लेकिन मेंबर थे, 5 तो मेंबर ही नहीं थे, खाली थी सीट्स, 20 मेंबर थे लेकिन आए नहीं। ठीक है, अब बचे 520, इन 520 में से 20 मेंबर ये कहते हैं हमारा मन नहीं है वोट करने का, हम नहीं करेंगे। मतलब अभी जो फाइनल स्ट्रेंथ मेरे पास आ रही है, जिनको मैं बोल सकता हूं प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं, वो है 500। मतलब टोटल 545 थी मेरे पास सीट्स, उन सीट में से 5 वैकेंट थी, 20 लोग आए ही नहीं और 20 जो आए उन्होंने बोला हम वोट नहीं करेंगे, तो मेरे पास जो इफेक्ट फाइनल बची वैल्यू वो बची 500। अब मैं इन 500 में वोट कराऊंगा तो सिंपल मेजोरिटी से अगर मुझे कोई चीज पास करवानी है तो ये मेथड ये कहता है, सिंपल मेजोरिटी ये कहती है कि 500 का 50% प्लस 1, मतलब मेरे पास कम से कम 251 वोट मेरे सपोर्ट में आने चाहिए। अगर 251 सपोर्ट मेरे को मिल गया तो मैं वो चीज पास करा ले जाऊंगा। मोर देन 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, आए भी हो और वोट भी कर रहे हो। समझ में आ गया, ये होती सिंपल मेजोरिटी, आधा प्लस 1, इस चीज को ध्यान रखना है, 1/2 प्लस 1, क्लियर। इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। बहुत सारे लोग सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं, समझेंगे जब मैं वो लॉ पढ़ाऊंगा चीजें, तो आपको वहां पे सिर्फ इतना बोलूंगा सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगी। तो आपको सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझ में आना चाहिए, मैंने जो भी बताया। नेक्स्ट हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये कहती है कि अगर मेरे पास 545 सीट्स हैं तो अब लोग हैं नहीं है उससे मैटर नहीं करता है। अगर कोई चीज एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होगी तो 545/2 + 1 सीधा
टोटल वैल्यू को ही कंसिडर किया जाएगा, जितनी सेंक्शनड स्ट्रेंथ है, जो सेक्शन की गई ना कि भाई इतने लोग होने चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ से डायरेक्ट डिवाइड करके पता लगेगा। तो अराउंड 273 वैल्यू निकल के आती, मतलब 273 वोट मेरी फोर्स उसमें होने चाहिए मेरे सपोर्ट में, तब जाके वो चीज एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करा पाऊंगा सीधा, जितनी सीट्स है उसको आधा करके एक ज्यादा कर देना। अब आप मुझे बताओ क्या सिंपल मेजोरिटी से लॉ पास कराना मुश्किल है या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मुश्किल है? एब्सोल्यूट से मुश्किल है, यहां ज्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे, यहां 273 लोगों का सपोर्ट चाहिए और यहां पे सिर्फ 251 का सपोर्ट चाहिए था। इसका था एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट में तो जितनी सीट है सीधा आधा करो और एक ऐड कर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें एब्सोल्यूट से भी होती हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी ये कहता है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अगर एक हाउस में सैंक्शनड स्ट्रेंथ 545 है, जो सैंक्शन की गई है, इलेक्शन होके जो मेंबर आते हैं वो आते हैं 540, मतलब 5 सीट्स जो है वो वैकेंट रह जाती हैं, उसमें कोई मेंबर आता ही नहीं है। सैंक्शन स्ट्रेंथ 545 है, 545 है, जब इलेक्शन होते हैं तो 540 मेंबर्स तो आ जाते हैं, 5 सीट्स खाली रह जाती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऐसा बोला जाता है कि इसी हाउस की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी 540। वैकेंसी को हटा दो, खाली सीट्स को हटा दो तो 540 बच रहा है, खाली सीट्स हटानी है बस, बस इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई है। अब ये कहते हैं कि अगर मुझे इफेक्टिव मेजोरिटी से कोई चीज पास करानी है तो मेरा होगा 540 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1 271, 271 वोट मेरे को चाहिए होंगे सिर्फ वैकेंसीज को हटा रहा जो खाली है। लोग नहीं आ रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, वो यहां पे नहीं आएगा, वो सिंपल में आएगा। अगर लोग नहीं आ रहे हैं वो सिंपल मेजोरिटी में माइनस की जाएगी, यहां पे सिर्फ खाली वाली सीट माइनस की जाएगी। तो ये आ गया 271। अब आप मुझे बताओ एब्सोल्यूट सिंपल और इफेक्टिव में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा है? सबसे ज्यादा मुश्किल है एब्सोल्यूट, 273 चाहिए यहां पे सपोर्ट, यहां कितना चाहिए? 271 चाहिए, और सबसे कम किसमें चाहिए था? सिंपल मेजोरिटी के अंदर। ठीक, लास्ट आ जाओ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी एक स्पेशल मेजोरिटी है जो 3 अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर एक्सप्लेन की गई है। पहला है आर्टिकल नंबर 61, दूसरा है आर्टिकल नंबर 249 और तीसरा है आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 61 जो है, ये आर्टिकल नंबर 61 प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसीजर पे बात करता है। प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसीजर को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्योंकि बहुत हाई पोस्ट है तो उसको हटाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है काफी भारी भरकम वर्ड यूज करते हैं, इंपीचमेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को हटाना का बन है तो उसके कुछ ग्राउंड्स है, वो हम पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर उन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट को हटाने की बात की जाती है तो दोनों हाउस, दो हाउस है हमारे पास लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउसेस पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो प्रेसिडेंट को हटाने वाली बात पास होनी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है सुनो, अगर वो पास हो जाएगी तो प्रेसिडेंट इंपीचमेंट हो जाएगा, हट जाएगा प्रेसिडेंट। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल नंबर 61 के हिसाब से 3 तरीके एक्सप्लेन की गई है, 61, 249 और 368, तीनों में अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी के प्रोसीजर बताए हैं। स्पेशल मेजोरिटी 61 में ये बोलता है कि इसमें 2/3 ऑफ द, अगर मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है, इंपीच करना है, तो कम से कम इतने वोट उस हटाने वाले सपोर्ट में होने चाहिए। कितने? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 545 सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, विच इज अराउंड 366, मतलब 366 वोट चाहिए होंगे इंपीच करने के लिए प्रेसिडेंट को। कितना डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, 366 वोट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 61 प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की बात करता है, स्पेशल मेजोरिटी इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ, ये माइनस माइनस कुछ नहीं करना, वैकेंसी वैकेंसी सब इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 249, आपको मैंने पहले बताया है कि 3 अलग अलग लिस्ट बनी होती है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम चीज पे लॉ बनाएंगे तो उस केस में यूनियन वाला जो लॉ होगा, सेंट्रल वाला लॉ होगा, वो हमेशा ज्यादा बेटर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है? यूनिटरी बायस है, क्वासी फेडरल है, याद है ना, क्वासी फेडरल बताया था, ठीक है। ये कहता है अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट के अंदर आने वाली चीज पे लॉ बनाना चाहता है, अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट में आने वाली चीज के ऊपर लॉ बनाना चाहता है तो उसको वो लॉ बनाने के लिए
स्पेशल मेजोरिटी से उस चीज को पास कराना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट की चीज पे अपना लॉ बनाना चाहता है तो उस केस में उस पार्लियामेंट के अंदर जो वोटिंग होगी वो वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। और यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी होगी इस केस में जब स्टेट की किसी चीज पे लॉ बनाना चाहती है सेंटर, वो स्पेशल मेजोरिटी होगी 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब यहाँ पे जो लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं सिर्फ उनको ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो टोटल 545 में से 5 वैकेंसी थी, 20 आए ही नहीं थे और 20 ने वोट नहीं किया था। मतलब आप 45 हटा दोगे तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 500। तो मैं 2/3 ऑफ 500 की वोटिंग यहाँ पे करा लूंगा और इतने वोट मुझे मिल गए तो मैं स्टेट वाली चीज पे अपना लॉ बना डालूंगा। टोटल अराउंड 333 वोट चाहिए होंगे। डिफिकल्ट ये भी है लेकिन इससे ज्यादा डिफिकल्ट इम्पीचमेंट है। 366 चाहिए होंगे। वहां पे टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 था, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है। किस पे? आर्टिकल नंबर 249। यहाँ पे स्टेट वाली चीजों पे लॉ बनाना चाह रहा है सेंटर, ठीक है। तीसरा स्पेशल मेजोरिटी एक और आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 368, जो आप जानते हो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का वेट चेंज करना। ऐसे मान लो कुछ भी नई चीज डालोगे या निकालोगे उसमें से तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पुरानी चीज को एडजस्ट करोगे तो अमेंडमेंट नहीं करना। लेकिन अगर कुछ नया इनपुट दे रहे हो, कुछ नया लिख रहे हो या लिखा हुआ मिटा रहे हो तो वेट कम हो रहा है ना, बुक का किताब कम हो रहा है, बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूशन है अपना है तो उस केस में उसको अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो आर्टिकल नंबर 368 ये कहता है कि अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आप स्पेशल मेजोरिटी से करोगे और उस केस पे स्पेशल मेजोरिटी को 368 में दो तरीके से फिर से क्लासिफाई किया गया है। अब ऐसा कहा जाता है कि स्पेशल मेजोरिटी जो होगी पहले केस पे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाहते हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो चीज है उसका किसी स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, जनरल कोई लॉ बना रहे हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट डिमांड हो रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको दो अलग अलग मेजोरिटी साथ में चाहिए होगी। एक होगा 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग और साथ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब अगर आप कोई जनरल चीज अमेंड कर रहे हो जिसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है तो उस केस पे आपको जो मेजोरिटी चाहिए होगी वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी और वो स्पेशल मेजोरिटी होगी 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 500 का 2/3 और साथ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने आपको बताया था अभी, याद है ना टोटल स्ट्रेंथ का वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। दोनों साथ में चाहिए होंगे, होंगे ऑब्वियसली बात है। जब अगर ये 333 आपके सपोर्ट में आ गए 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग तो बाकी 271 तो आ ही जाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। 273 तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आर्टिकल 368 के हिसाब से स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हो। इन जनरल वहां पे स्पेशल मेजोरिटी कहलाएगी 2/3 ऑफ द प्रेजिडेंट वोटिंग और साथ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दोनों साथ में चाहिए। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसपे स्टेट की कोई चीज को चेंज करना चाह रहे हो, स्टेट की किसी चीज से कोई रिलेशन है आपका, तो उस केस में क्या होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ रहा है मतलब स्टेट की कोई चीज बदलनी पड़ रही है और कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी और उस केस में स्पेशल मेजोरिटी के अंदर 2/3 ऑफ द प्रेजिडेंट वोटिंग इंक्लूडेड होगा, साथ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी इंक्लूडेड होगी और उसके साथ में एक और चीज इंक्लूडेड होगी कि कम से कम 50% ऑफ द टोटल स्टेट्स उस चीज में हामी भरे। 50% ऑफ द टोटल स्टेट मतलब अपने पास 28 स्टेट्स हैं तो कम से कम 14 स्टेट्स ये बोले कि हाँ ये चीज हम चाहते हैं, जो आप करना चाह रहे हो, जो अमेंडमेंट आप करना चाह रहे हो ये चीज हम भी चाहते हैं। कम से कम आधी स्टेट्स इस चीज को बोले। स्टेट्स कैसे बोलेगी, स्टेट्स के पास खुद की अपना लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों चीजें भी हो सकती हैं, अकेली लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है। इसके बाद स्टेट अगर बोलना चाहती है, सपोर्ट देना चाहती है, तो स्टेट को भी अपने लेजिस्लेचर के अंदर सेम चीज पास करानी पड़ेगी, बट स्टेट के अंदर वो चीज सिंपल मेजोरिटी से पास होगी। मतलब आप बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई ऐसी चीज पे आप कोई चेंज करना चाहते हो जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है लेकिन वो चीज स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको एक तो 2/3 ऑफ द प्रेजिडेंट वोटिंग चाहिए मेजोरिटी के लिए, साथ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए और उसके साथ में स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए कम से कम 50% स्टेट्स का, कि 50% स्टेट्स ये बोले, कम से कम 14 स्टेट्स ये बोले कि भैया आप सही बोल रहे हो, 14 स्टेट हम ये कह रहे हैं। और हम कैसे सही बोल रहे हैं ये कहेंगे, क्योंकि हमें अपने लेजिस्लेचर में वो चीज सेम पास करानी पड़ेगी विद सिंपल मेजोरिटी, वही सेम चीज जो आप वहां पास करा रहे हो हमारी तरफ से भी हामी भर के जाएगी, हमारे लेजिस्लेचर के अंदर वो चीज पास होगी विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी आपको बताया हुआ है, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा तीनों चीजें साथ में आ जाती है तब वो अमेंडमेंट मान लिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी इज एक्चुअली द टफेस्ट मेजोरिटी टू गेट, विच इज डिफिकल्ट वन, इतना आसान नहीं होता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना इतना आसान नहीं है, इसलिए चीजें स्टेट के अंदर बदलना भी इतना आसान नहीं है, और इसीलिए
प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट भी इतना आसान नहीं है। ये है मेजोरिटीज। इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट मेजोरिटी अगर आप देखो तो आपको मिलेगी स्पेशल मेजोरिटी, और उसके बाद जाओगे तो एब्सोल्यूट मिल जाएगी, फिर आपको इफेक्टिव मिल जाएगी, और फिर आपको लास्ट में सबसे आसान सिंपल, क्योंकि वो सिंपल है। तो चार मेजोरिटी है। अब अगर मैं कहीं पे बोलता हूं कि इस लॉ को इस टाइप की मेजोरिटी से पास किया जाएगा, तो अब आपको पता होगा कि सर कैसे पास किया जाएगा। ये चैप्टर मैंने इसलिए अभी पढ़ाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मैं सारे बेसिक साथ में कवर करता चल रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव यू एवर ट्राइड थिंकिंग व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई डिफरेंट एग्जामिनेशन, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और स्टेट सर्विसेज? कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन कि होता क्यों नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स। The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year se utha ke expected questions tak sab kuch hum class mein kar lenge. Jitne bhi hamare paas online courses hain, chahe IAS ke liye hain, chahe GATE ke liye hain, chahe SSC ke liye hain, aur jo bhi faculties hain, sare faculties GATE aur IAS toppers hain. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जितना भी फैकल्टीज का। लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। आवर न्यू वर्जन 1.1 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड एडमिशंस आर ओपन अंडर ऑल आवर कोर्सेज। थैंक यू।